भैया ये इन्हीं की चाल होगी, इन्हीं से पूछो, यहाँ लाके लग जाओ उनके ऊपर, इन्होंने भगाया उन्हें। बाल लट से पिटवाएगी, लट से मरवाएगी सारी। बगैर पिटे नहीं मानेगा। माफ करो दीदी, दीदी मुझे माफ करो, जाओ बाहर रुक जाना, मैं तो यहाँ ढूंढता फिर रहा था, कहाँ रली फिर पिटवा दिया। सेठ जी तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? हाँ शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते, साले सब तेरे कर्म है, अभी लगा जी ने पिटवाया सारे ने। जल्दी आ गया मजा, अब चलो घर चलो। हाँ चल घर चल साले, तू घर बदलाओ, चल के चल चल साले घर बदलाओ। बेटा सिंह अगर ये लौंडा मेरे घर में रहा तो मैं तो ज्यादा जिंदा रहने वाला हूँ नहीं, इसे ऐसे करता हूँ कहीं छोड़ आता हूँ, इसे प्यार से ले जाता हूँ, ना रहेगा वास और ना पिटेगी मेरी थोबड़ी, ठीक रहेगा। मगर अम्मी और रुखसाना को पता नहीं लगना चाहिए। साले को मेले में छोड़ आता हूँ कल्याण शरीफ के में, बेटे साले को सुबह ले जाता हूँ, ये ठीक रहे, साले को छोड़ आऊंगा और फिर फिट रहूंगा, अब सोता हूँ आराम से, अब ये आइडिया फिट होगा बेटा, बना दूंगा कितनी साले को सुबह मेले में बना दूंगा कितनी। सोच ले बेटे सोच ले, मेला तो तिया मैं दिखाऊंगा, मेरा नाम भी गजनी है। ओए किधर गया, देख ही नहीं रहा। गजनी बेटा गजनी, गजनी बेटा गजनी, वो किधर गया बेटा गजनी, वाह मेरा लाल मेरा पीले मेरा काले मेरा धोले, ओए ओबा मेरा गुरछल्ले, ओबा किधर गया गजनी, ओबा गजनी। शेखू क्या बात है, आज बड़े प्यार से तू गजनी को बुला रहा है। अमित तुम्हें पता नहीं है मेरा दिल कर रहा आज गजनी को मेला दिखा के ले आऊं, कलियर शरीफ वाला। कलियर शरीफ वाला तो रुखसाना को भी ले जा। हैं एक शहना को भी ले जा, नहीं नहीं बड़ा फंसा है। अमित तुम्हें पता नहीं है मेरे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है अमी मेरे पास। अम्मी पैसे नहीं है तो तुम इन्हें जाने दो, हम बाद में चले जाएंगे। कोई बात ना है, ले जा तू इसे, तू कौन सा बाप से कम है, वो भी ना मुझे लेके जाया करे थे, वो भी मुझे घर छोड़ जाया करे थे। अम्मी तुम ना नाराज होगी, तुम्हें पता मैं अबू जैसा नहीं हूँ, तुम्हें और रुखसाना को बाद में ले जाऊंगा, आज का जो नहीं मतलब आज का दिन गजनी के नाम है, ये मेरा गजनी गजनी मेरा गजनी। लेके तू जा रहा है तो गजनी को, मगर इसका ध्यान रखियो कहीं खो ना जाए। अम्मी तुम्हें कैसे बताई खोएगा, क्या मतलब? अम्मी मैं इतना पागल नहीं हूँ जो इसे खो जाऊंगा, वो अलग बात है कि मैं इसे खो दूँ। फालतू मत बोल, चल लेके जैसे। बेटे गजनी अपने चाचा की सुनियो। दादी चाचा की तो मैंने रात ही सुन ली थी। रात ही सुन ली थी, मैं क्या सुन लिया तुमने, क्या सुना रात? चाचा मेरे कहने का मतलब है मेले में भी चलोगे? मेले में हाँ ठीक है। अब जाओगे भी कि पूरा मेला यही निकाल दोगे? ओबे अकड़ रही है, चल बेटा चल बेटा, गजनी मेरा गजनी गजनी। या मेरे अल्लाह मेरे बेटे गजनी की मदद करना। बेटा गजनी, अब बेटा गजनी, बेटा बेटा तूने कभी मेला देखा? नहीं चाचा। नहीं देखा, अबे इसका मतलब तुझे कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता चाचा। कुछ नहीं पता, अबे ठीक है तो बेटा आज तुझे ऐसा मेला दिखाता हूँ, ऐसा मेला दिखाता हूँ कि तू भी जिंदगी भर याद करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे बाप को एक बार अपू ने दिखलाया था मेला, आज तक वापस नहीं आया। क्या कहा चाचा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तू अपना काम कर मेला देख। ओहो औरत आ रही है, चाचा के बच्चे चूक गया, मुझे मेला दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा आज तुझे मेला। क्या कर रहा बेटा गजनी, बेटा क्या सोच रिया? चाचा मुझे लग रहा है मेरे सामने से खाला आ रही है। खाला आ रही है, हाँ देखता रही है कोई,
जा जाकर बेटा तू अपनी खाला से मिल मिल ले जा मिल 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 ठहरो मैं ठीक है मैं यही ठहर रहा हूँ खाला जा अब मैं ऐसा करूँगा इसकी खाला के साथ भेज दो खाले की राड कट जाएगी कटे राड तो कटे कैसी खाले मतलब परेशान इससे पूरा चाची चाची मेरी प्यारी चाची मेरे चाचा की डार्लिंग है ये क्या बदतमीजी तेरे दिमाग तो ठीक है मेरा तो ठीक है चाची मुझे तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा तब क्यों नाराज हो रही हो हरामजादे पहले तो ये बता तू है कौन और कहाँ से आया है क्या चाची तुम मुझे नहीं जानती मैं तुम्हारे मियाँ का भतीजा गजनी हूँ हरामजादे अगर अब की तूने मुझे चाची कह दिया ना तो तेरी जुबान खींच लूँगी चाची मेरी यूँ खींचो जुबान खींचनी हो तो चाचा ही खींचो उन्होंने बताया था मुझे तो कौन है वो हरामजादे जिसने तुझे बताया गाली मत दो चाची मारेगा बहुत अपने साथ मुझे ही पिटवाओगी अच्छा तो तुझे इसने बताया है ये है तेरा चाचा हाँ हाँ मेरा चाचा है वरना मैं क्या जानू तुम्हें यकीन नहीं तो पूछवा सलमा पूछवा ले इसका भूत तो उतारना ही पड़ेगा चाची चाची क्या सोच रही हो कुछ नहीं बेटा गजनी जरा पूछ के तो आ चाचा चाचा ये मेरी चाची है ना उमा मुझे सुनाई नहीं दे रही चाची चाचा को आवाज नहीं पहुँच रही मैं जरा ही पास से पूछ कर आता हूँ जा बेटा जल्दी जा चाची तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है हाँ बेटा गजनी मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी है ज्यादा जल्दी मुझे और मुझसे ज्यादा जल्दी चाचा को है ने मेला दिखा कर लाना है ना तुम यही ठहरो मैं जरा भी पूछ कर आता हूँ इस हरामजादे को तो मेला मैं दिखाऊंगी चाचा तुम बहरे में बार बार कह रहा हूँ मैं तू क्या कह रही है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था वो मेरी खाला है पूछ रही थी बात तू बेटे कहाँ फंस गया क्या पूछ रही थी तुझे मेले में नहीं चलना वो ये पूछ रही थी कि तेरे चाचा मुझे मेले में ले चले गए ना ओए मेले में तो मैं जा नहीं रहा हूँ ऐसा करता हूँ टीचर भेज देता हूँ चाचा क्या सोच रहे हो हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ ले चलेंगे ले चलेंगे ले चलेंगे अगर चाचा उसे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे चाचा हो विश्वास नहीं है चल हम दिलाते हैं विश्वास नहीं नहीं चाचा तुम यही रहना मैं इशारे से पूछूंगा तुम इशारे से ही बताना वो इशारे से समझती है ठीक है शर्माती है मैं इशारे से बतला दूंगा ये तो हमारा खानदानी पैसा मगर तू पूछेगा कब मुझे बतला दिए चाचा मैं ये पूछूंगा कि ये मेरी खाला है फिर मैं पूछूंगा मैं तुम्हारा गजनी हूँ और फिर पूछूंगा तुम इसे मेले में ले चलोगे चाचा फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम मुझसे प्यार करते हो हाँ सब कह दूंगा मैं तो जल्दी जा जो तू कहेगा मैं सब दिखा दूंगा जल्दी जा फिर तुझे मेला तो दिखाना मेला तो तुझे मैं दिखाऊंगा चाचा चिल्ली वाह क्या बोल रहा है कुछ नहीं जो मैं कहूँ वो बोलते रहना ठीक है बोल दे मजा निकल जा देखा चाची तुम मुझे पागल समझ रही थी ना अब चाचा सब कुछ बता देंगे लो सुनो सुनवा बेटा ना तो तू पागल ना तेरा चाचा पागल पागल तो मैं हूँ जो यहाँ खड़ी हूँ जल्दी सुनवा दे जरा चाचा ये मेरी चाची है ना देखा चाची ये हाँ कर रहे हैं और पूछवाऊं चाचा ये किसकी बीवी है मेरी है मेरी 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 चाची अब तो सवाल आ गया और पूछवाऊं हाँ बेटा और पूछवा जरा और पूछवा चाचा चाची को मेला दिखाओगे देखा चाची चाचा तुम्हें मेला दिखाने के लिए कह रहे हैं चाचा तुम चाची से प्यार करते हो ना हरामजादे मैं कराऊंगी तेरा प्यार बेटा गजनी इससे कह दे चाची सब काम करने को तैयार है तू यही आ जा चाचा चाची कह रही है मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ तुम प्यार करने के लिए यहीं आ जाओ वहीं आ जाओ ठीक है इसका मतलब ले जाने कह रही होगी साले को भेज देता हूँ साले को राड कर जाएगी और फिर मुझे मेले की जरूरत ही नहीं रहेगी ठीक है आ रहा हूँ बेटा गाजेनी गाजेनी दवाई बढ़िया सी लगाई है लगा दे दर्द कर रही है तू भी कसर कसर कर रही है शेख जी क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घोड़ी ने लात क्यों मारी हैं क्यों मारी बताइए तू बताइए क्यों मारी तुझे पता इसलिए मारी कि तुम्हारे मन में चोर था मुझे मेले में ना ले जाने का अच्छा इसीलिए तुम्हारे घोड़ी ने लात मारी अगर मैं होती तो घोड़ी तुम्हारे लात ना मारती उमर जरा तू ठीक कह रही है अगर तू मेरा साथ होती तो वो घोड़ी लात नहीं मारती साली हाँ अब ऐसा करूंगा अब तू जरा अम्मी को ले जा करूंगा मेले में
हो तेरी तो, जूते उठा रहा है साले, जूते चोरी करता है। तो हर रोज जूते चोरी होते हैं साला, यही करता होगा। ए भाई, रोज तू जूते उठाता है? अजी उठता होंगे, मैं तो आज उठाना आया हूँ अपने चाचा के कहने से। वो तो रोज उठाते हैं, उनका तो बिजनेस है, वो तो मुझे सिखा रहे हैं। चाचा सिखा रहा, बिजनेस है उनका, कौन है वो साला बदतमीज? बे गाली मत दे चाचा को वरना। अबे वरना क्या, क्या कर लेगा तू, चोरी और ऊपर से सीने चोरी। सुन बे, अबे किसका तू? अबे ओ, मैं शेख चिट्टी का भतीजा हूँ। क्या सबकी नानी मर गई शेख चिल्ली का नाम सुनता ही, अब बोलो। अबे हमारी नानी क्यों मरेगी, नानी मरेगी उसकी, साले को आज घर में घुस के मारेंगे, वहीं चल रहे हैं। मारोगे कहानी, घर में मिले ना मिले। अबे क्यों नहीं मिलेगा, वो जो हमने जूते चप्पल चुराए हैं ना, उन्हें आज लाल किले में बेचने गए हैं, क्योंकि आज संडे है। बाजार में बेचती हो तुम, और क्या खाने की चीज है वो, उनका क्या करेंगे हम? भाई मेरी सहनता घर चलो, वही बात करेंगे, बात करेंगे बाद में, साले को पहले पीटेंगे। उठा खा ले इसको, चलो इधर लेके चल। शेख जी पहले से कुछ आराम है दर्द में? बार रुकाना घोड़ी ना जमा जमा के लात मारी, वरना दर्द कम होता। शेख जी अब आप मेरे बगैर मत जाना। ठीक है नहीं जाने का हूँ। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, साले कमीन के बच्चा बाहर निकल, निकल रहा ना निकल रहा। वह कौन है, वह कौन चिल्ला रहा तभी सवाल, वह दरवाजा खुल रहा तेरा बाप का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मारो साले, साले जूते चोरी करता है, मार साले, और जोर से मार, मार मार साले को, मार मुंह में मार इसके, मार करेगा चोरी। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये तो वैसी घोड़ी ने तोड़ फोड़ के डाल रखे हैं। शर्म तो ईसा नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद में से जूते जरूर आता है बच्चों से। और हाँ जूते बाजार में बेचता है, तुझे शर्म नहीं आती? साले चोरी की खा रहा। मैंने कब चुरवाया जूते, कब मंगाता हो साले, ये भी चोरी की होंगी। भाई ऐसा मेरी अपनी, हाँ चोरी की होंगी, 3500 खरीद कर आया हूँ। वह कौन कर रहा तुमसे, मैं क्या चुरवाता, कौन कर रहा साला? ये बच्चे तेरा बाप कर रहा है सब कुछ। बोल बे बोल, भाई मेरा बाप क्यों होता, गज नहीं आयु। भाई बोल क्या कह रहे हैं ये, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? बोल जल्दी बोल। चाचा जब तुम चुरवा चुरवा के लाल किले में बेचते थे तब तो कुछ ना कहते थे, अब पकड़े गए तो बोल रहे हो क्या? मैं कम लगा दिया क्या कह रहा तू? रुक साना, जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूँ। ये ठीक कह रहा, इस बोरी में जितने भी जूते चप्पल है ना सब चोरी के, दिखा मैं दिखा। छोड़ छोड़ दे, पलट यहाँ पलट, यहाँ पलट, देख अपने बाप की करतूत। भाई जान मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, आज के बाद कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। भर ले चली ना सारियों को, भर ले भर ले भाई भर ले, कोई छोड़ मत दियो। इसे भर। कम मगज मेरी भी ले गए, वहाँ कम मगज, अगर तू ऐसा कर्म ना करता तो मेरी जूती न जाती। कर्म करता मेरी पिटाई होती, मेरी जूती मार, साले साले की शिकायत करा, साले की शिकायत करा, साले छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो चाचा। साले साले तूने अब्बू का नाम गंदा कर दिया, अब्बू का नाम गंदा कर दिया, जलालुद्दीन का नाम गंदा कर दिया, शेख चिल्ली का नाम गंदा कर दिया। जा जा चला जा, ऐसा जा शिकायत मत दिखा दे, कम मगज जा, चला जा निकल जा, जा मेरे घर से निकल जा, सारा जान दबा दूंगा, जान दबा दूंगा, शेख चिल्ली का नाम गंदा कर दिया, चला जा यहां से, दोबारा मत आ जा यहां पे, जा जा जा। शेख जी तुम लेट जाओ, अभी दवाई बहुत सारी है। हाँ बहुत सारी है, सारी तुम्हें मिटवाने चक्कर में मेरे लगाने के लिए ये दवाई, सारी लोग कह रही है दवाई बहुत सारी है। मर गया, अरे मर गया, सालों ने बजाया बहुत मारा, सालों ने बजाया गधा समझ रखा, क्या समझ रखा मुझे।
मैं दवाई लगा रही है, खसर खसर कर रही है। चुपचाप लेट रहो, लगा तो रही हूँ। मैं कैसे कैसे लगा रही है। चुप लेटे रहो। पकड़ रही है साली। अबे शेख चिल्ली घर पे है क्या? शेख चिल्ली आई? रुक साला, मैं कौन है दरवाजे पे? शेख जी मुझे तो अनजानी सी आवाज लगे, कहीं वो नई मुसीबत लेकर ना आ गया हो। रुक साला, इससे भी ज्यादा क्या मुसीबत आएगी? ओबे भाई जान अंदर आ जाओ। गारिया या रोरिया? पर जो भी हो लाला जी, तुम्हें बुला रिया है। जो भी हो आ जाओ भैया। भाई ये पहला कर्जदार है जो गागा के बुला रिया। चलो तो लाला जी अंदर चल रहे। चला चलो। आ बेटा। चलो लाला जी। हैं? शेख चिल्ली कहाँ है? ये तो सो रहे हैं। ये सो रहा? अभी तो ये गाना गा रहा था और मुझे बुला रहा था, जो भी हो अंदर आ जाओ। और अब इसने शकल ढक ली मुझे देखते ही। ले उघाड़ ली हमने शकल, तू का धार ले। ना बेटे।